सलामकुम, क्या हाल है सबके? बढ़िया, कैसा चल रहा है अभी तक मामला? ठीक है सर, रोज आके पहले क्लास पहली बात ये बोलते कैसा चल रहा है मामला, बहुत जरूरी पूछना। और ये आप लोग याद रखिए कि जिस तरह से मामला स्मूथ चल रहा है ना, दिमाग में चीजें बार बार आती हैं कि टाइम कम है, टाइम कम है। शैतानी अलामत किसी तरह से भी आएंगे, आपको शैतान बहकाएगा ना, बहकाएगा कि यार टाइम कम है, तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम ये छोड़ो वो छोड़ो, ये कर लो ना, सिर्फ इम्पोर्टेंट कर लो ना। भाई दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नथिंग इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो? कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट सब इम्पोर्टेंट है। ऐसे छोड़ोगे तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ोगे तो सब इम्पोर्टेंट है। और पढ़ना सबको, पढ़ाया भी सब जाएगा, है ना? जो सिलेबस में नहीं है, जो नहीं आता, जिसके एनालिसिस में मालूम है, वही बताई जाएगी आपको। आपको इन सारी बहकी हुई चीजों से दूर रहना है। और आपका काम क्या है कि मैंने 10 आवर्स का अगर रूटीन बनाया है तो मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, दैट्स इट। मुझे अपने सोने के टाइम में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर मैंने शेड्यूल को 6 घंटे सोने का बनाया है तो मैं 6 घंटे वहां सोऊंगी भी, है ना, मुझे सोना भी है। अगर मैंने 10 घंटे पढ़ने का बनाया तो मैं 10 घंटे वहां पढ़ूंगा भी। तो इन सब चीजों में अभी एडजस्ट नहीं करना है, वरना आगे फिर अपने करियर के साथ, फ्यूचर के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, जो किसी को पसंद नहीं। पक्की बात है, ये हम लोग जब शक्तिमान देखते थे ना, वो कहते थे छोटी छोटी पर मोटी बातें, तो वो वही चीज है। ये बात बहुत छोटी है, रोज की ही जारी है, बट ये बहुत अहम रखती है। तो जो ये बात को समझेंगे वो आगे अच्छा करेंगे। तो आप सब अच्छे बच्चे हैं, आप सब मेहनत कर रहे हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, तभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सब में ये काबिलियत है कि आप कर सकते हैं, पक्की बात। और आप ही करेंगे, आपको करना है, आप हर हाल में करेंगे। टाइम हमारे पास है, हम जरूर करेंगे। टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम हमारे पास नहीं, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था सर? हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस देखे थे, जनरल फीचर्स देखे थे फंगस के, जिसमें एक टर्म था माइसीलियम। हम माइसीलियम पढ़ रहे थे। माइसीलियम में सर हम क्या देख रहे थे? तो सर हम माइसीलियम में देख रहे थे कि माइसीलियम क्या एक बॉडी है जिसमें फिलामेंट होता है, जिसे हम हाइफा कहते हैं। उसमें स्पंजियो फोर होता है। स्पंजियो फोर से क्या निकलता है? तो सर स्पंजियो फोर से स्पंजियो बोलो स्पोरेंजिया निकलता है। स्पोरेंजिया क्या होगा? उससे क्या फॉर्म करेगा? स्पंजियो स्पोर फॉर्म करेगा। और सॉरी, स्पोरेंजिया स्पोर क्या करेगा सर? उसमें स्पोर्स निकलेंगे, डिस्पर्स करेंगे। और स्पोर्स जब डिस्पर्स करेंगे तो पॉसिबिलिटी है स्पोर्स में, यानी गैमेट। तो गैमेट से या तो आपके मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अगर मोटाइल है तो हम क्या कहेंगे? जूस्पोर कहेंगे। अगर नॉन मोटाइल है तो हम क्या कहेंगे? ए प्लैनोस्पोर कहेंगे। अब सर जो बॉडी हो रही, रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो सर हो सकता है कि एक ही बॉडी की हो, एक ही गैमेट की हो, जेनेटिकली सिमिलर गैमेट्स की हो, तो हम क्या बोलेंगे? होमोथैलिक स्पीशीज, होमोथैलिज्म कहेंगे। और अगर डिफरेंट में है तो हेट्रोथैलिज्म कहेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें हमारी चल रही थी। फिर हमने देखा सर सेप्टेट एंड एसेप्टेट। एसेप्टेट के बेसिस पे और सेप्टेट के बेसिस में क्लासिफिकेशन है। सर क्या है एसेप्टेट और सेप्टेट? ए मतलब एब्सेंट, सेप्टा एब्सेंट। सेप्टा क्या है? बैरियर, दीवार, बीच की दीवार, है ना। माइसीलियम में अगर पार्टीशन है, उसमें अलग अलग गैमेट्स हैं, तो वो ग्रुप में नहीं आ सकते, तो वो सिनोसिटिक नहीं होंगे। इसलिए एसेप्टेट सिनोसिटिक कहलाएंगे। क्लियर है? पक्की बात। तो इस बेसिस में क्या हुआ? एसेप्टेट और सेप्टेट। तो एसेप्टेट में क्या आया? फाइटोमाइसीटेट, जिसमें मैस्टिकोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। अब आपके सेप्टेट में क्या आया सर? 3 आया, एस्को, बेसिडियो एंड डिटेरो। डिटेरो फॉल्स, बेसिडियो टॉप बॉल, एस्को सैकलाइक कपलाइक एस्कस। क्लियर है? हमें अब क्या करना है? उसके एक्सप्लेनेशन में जानना है। एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले हमें क्या बताया था सर? लाइफ साइकिल को पढ़ना है। तो पहले हम इन जनरल लाइफ साइकिल देखेंगे, किसका? फंगस। और इस जनरल लाइफ साइकिल से ही हमारी सारी लाइफ साइकिल हल होने वाली है एकदम आसानी से। इसलिए हम पहले इसे समझने पे फोकस करेंगे। इसलिए मैंने पहले से इसकी मूर्ति बना के रखी है, यहाँ पे तस्वीर बना दी है, डायग्राम बन गया है। बायो अगर डायग्राम आप समझ जाते हैं तो आधा मामला आपका हल हो जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। ठीक, ये जनरल लाइफ साइकिल, किसी की पार्टिकुलर लाइफ साइकिल नहीं है, जनरल लाइफ साइकिल का फंगस। देखिए मैंने क्या कहा था, इसका स्पोर रिलीज होगा। क्या होगा? स्पोर रिलीज। स्पोर्स हो या गैमेट्स हो, ऑलवेज हैप्लॉइड। क्या होंगे? ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? तो सर ये क्या कहलाता है?
ठीक है, तो अभी से माइसिलियम में जो गैमेट्स होंगे वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, है ना। अब इसमें हो सकता है मेल और फीमेल गैमेट हो, मेल फीमेल गैमेट हो, यहाँ मेल हो यहाँ फीमेल हो, पॉसिबिलिटी है ना, एक बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। अब इसमें से एक मेल गैमेट आएगा, अलग बना लेते हैं डायग्राम में समझ में आ जाए, एक मेल गैमेट आएगा और एक फीमेल गैमेट आएंगे, है ना, एक बॉडी के अंदर, यानी मैं इतना पार्ट ले रहा हूँ, इतना पार्ट लूंगा तो ऐसे ही दिखेगा। अब मेल गैमेट आए क्यों आते हैं, मेल गैमेट क्यों आएंगे, फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो अब जो गैमेट्स आ रहे हैं, यानी जो न्यूक्लियस में गैमेट्स होंगे, तो जो न्यूक्लियस आ रहा है, अब देखो टर्मिनोलॉजी, दो न्यूक्लियस आए, कितने आए, दो आए, एक मेल का एक फीमेल का, दो मींस सर, दो मींस डाई। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कैरियोन, तो दिस बिकम डाई कैरियोटिक स्टेज। क्वेश्चन कितनी बार आया, जब क्वेश्चन बनाएंगे आपको दिख जाएगा। डाइकैरियोटिक स्टेज क्या हुआ सर, मेल और फीमेल न्यूक्लियस आए एक बॉडी में मिले, इसे हम क्या कहेंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज कहेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी, नहीं दिख रहा तो लिख लो, ठीक है, प्लाज्मा फ्लूइड, गैमी गैमेट्स, गैमेट्स का फ्लूइड, गैमेट आगे मिल रहे हैं, क्लियर बात है। अब यहां से देखो क्या हो रहा है, जाइगोट बन रहा है। तो सर जाइगोट कब बनता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो दो गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट है डिप्लॉइड, ये है हैप्लॉइड, ये है हैप्लॉइड, ऑब्वियस है, n+n 2n, क्लियर है, पक्की बात है ना। तो ठीक है सर, यहां क्या होगा, हमारा जाइगोट बन गया, क्लियर है। अब सर जाइगोट के बाद फिर क्या बनना है, स्पोर बनना है, ये शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं, डिटेलिंग में देखेंगे। जाइगोट से फिर स्पोर बनेगा, डिस्पर्स होके स्पोरेंजिया से स्पोर बनेगा। जाइगोट है डिप्लॉइड, स्पोर से हैप्लॉइड। तो मैंने कल भी बताया था माइटोसिस एंड मियोसिस का आपका फंडा, कि सर इक्वेशनल डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन, 2n से n बन रहा है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, जल्दी बताओ। तो सर ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड से बन रहा है, क्या होगा, माइटोसिस या मियोसिस, तो सर रिडक्शन हो रहा है, तो दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, व्हिच मींस मियोसिस। कितना आसान है, यही क्वेश्चन पूछते हैं लोगों का दिमाग घूम जाता है, उन्हें टफ लगता है, जी हाँ टफ लगता है। अब आइए, स्पोर से जर्मिनेट किया, माइसीलियम बनाया, फिर यहां से स्पोर बनाया, डेवलप हो रहा है, तो जर्मिनेट होगा, कोई चीज बनती है तो बॉडी बनेगी, माइसीलियम, माइसीलियम से फिर निकल के यहां से, अब इसी माइसीलियम में क्या है, हाइफा है, इसी में स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया से स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर निकल के स्पोर फॉर्मेशन करेगा, डिस्पर्स होंगे। अब अगेन दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड, अब बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे एक स्पोर से, तो बहुत सारे स्पोर बनेंगे तो क्या होगा, डिवीजन होगा, तो सर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस या मियोसिस, सर ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस। मुश्किल है क्या, बोलो भाई मुश्किल है क्या, नहीं। अब सर आपने कहा था, अब यहां फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एसेक्सुअल में होता है या सेक्सुअल में होता है, सर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तो ये जो पार्ट है इनका, ये वाला, ये क्या है, सेक्सुअल, ये जो स्पोर से माइसीलियम फॉर्म हो रहा है, ये क्या है, एसेक्सुअल, एक ही बॉडी में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दोनों मिल रहे हैं, है ना यूनिक बात, ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है, इसे हम रब नहीं करेंगे, मिटाएंगे नहीं, लिख लीजिए क्या है ये, जनरल लाइफ साइकिल ऑफ फंगस, हो गया, लिख लिया आपने, ठीक है, अच्छा
माइटोसिस, मियोसिस, चलो प्लाज्मोगैमी। तो सर यहाँ क्या था, माइसिलियम से आया, प्लाज्मोगैमी या डाइकैरियोटिक स्टेज, टू कैरियोन थे, टू न्यूक्लियस थे, ठीक। इस स्टेज को क्या बोलेंगे, यहां से जो जायगोट बन रहा है, जायगोट बन रहा है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज, कल भी बताया है मैंने, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज सिंगैमी। और चूंकि बात अगर हम न्यूक्लियस के टर्म में करें तो न्यूक्लियस मिल रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन कर रहे हैं, कैरियोगैमी, दोनों सेम स्टेज है, ठीक है। जिस तरह यहाँ प्लाज्मोगैमी एंड डाइकैरियोटिक स्टेज, ये पूछता है बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। अब समझना आसान है सर, स्पोर माइसिलियम, स्पोर कहाँ जाएगा, माइसिलियम में जाएगा, माइसिलियम से बाहर निकलेगा तो मेल और फीमेल निकलेंगे, चूंकि रिप्रोडक्शन करना है। अब मेल फीमेल निकले, एक बॉडी में आए, दो न्यूक्लियस थे, डाइकैरियोटिक प्लाज्मोगैमी, अब दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करना चाह रहे हैं, फ्यूज करना है सिंगैमी, सिंगैमी मतलब सर कैरियोगैमी, सिंगैमी हुआ यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बने, जायगोट बना तो डिप्लॉइड होना, अब फिर स्पोर बनना, स्पोर बनेगा तो क्या होगा सर, स्पोर हैप्लॉइड होंगे, चूंकि गैमेट फॉर्म करता है तो हैप्लॉइड है, जायगोट डिप्लॉइड है, तो ऑब्वियसली यहां पे मियोसिस होना होगा। फिर वो जर्मिनेट करके, जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, जर्मिनेट करके माइसिलियम बनाएंगे, और माइसिलियम क्या हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे मामला क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, स्पोर्स है, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर बहुत सारे बनेगा तो डिवीजन होना पड़ेगा, और जब डिवाइड होगा तो या तो माइटोसिस से या मियोसिस से, स्पोर हैप्लॉइड और क्या हैप्लॉइड, आपका माइसिलियम हैप्लॉइड, तो माइसिलियम से स्पोर बन रहा है, माइटोसिस या मियोसिस, तो सर इक्वेशनल डिवीजन क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्लियर बात है, समझ में आ रही है, जबा में चीज होनी चाहिए, जब यहाँ पे होगी तो यहाँ पे आने में नहीं टाइम लगेगा, यहाँ पे बैठा हुआ दिल में जो बात होगी, जहन में घुसी पड़ी होगी, जबा से निकलने में टाइम नहीं लगेगी। रटना नहीं है, समझना है, बायो है, साइंस है, आर्ट्स नहीं है, समझे, मान लो, ठीक। अब जो हम लास्ट क्लास से बात कर रहे हैं कि सर हम डिटेलिंग में जाएंगे, तो हम सबसे पहले किसकी डिटेलिंग में जाएंगे, फाइकोमाइसिटीज की डिटेलिंग में जाएंगे। आइए हम देखते हैं फाइकोमाइसिटीज, क्लियर, ओके। तो सर इसे हमने पढ़ा था, लोअर फंजाई, अल्गल फंजाई, ठीक है। अभी लोअर है, इसमें हमने देखा है ए सेप्टे में आता है ना, तो ऑब्वियसली इसमें क्या था, तो सर इसमें सेप्टा, सेप्टा एब्सेंट था, और सेप्टा एब्सेंट होगा तो हमने देखा तो क्या होगा, सिनोसिटिक होगा, या ग्रुप में होंगे, है ना, पक्की बात, ठीक है, ओके। अब आइए सर इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, इसके एग्जांपल, जैसे एक होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस, क्या होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस, फाइटोफथोरा ऑब्वियसली क्या है, जीनस है, इन्फेस्टांस क्या है, स्पीशीज है, ये क्या कॉज करता है सर, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, क्या करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये बहुत खतरनाक डिजीज थी जो 1845 में कहां सबसे पहले पाई गई, आयरलैंड में, इसीलिए इसे कहा जाता है फैमिन ऑफ आयरलैंड 1845, पूरे के पूरे आलू के फसल को क्या किया, बर्बाद कर दिया, लेट ब्लाइट, लेट होता है ना, और व्हाइट व्हाइट दिखता होगा आपका, इसके वजह से होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस की वजह से होता है, क्लियर है। उसी तरह एक और डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा, क्या बात, खत्म हो गया क्या तुम, एल्ब्यूगो कैंडिडा, सी ए सी ए, ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, इससे क्या होता है, व्हाइट रस्ट डिजीज होता है, इन जनरल कहा जाता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्या कहा जाता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्योंकि क्रूसीफेरी फैमिली को ये ज्यादातर नुकसान पहुंचाता है। अब एल्बिगो कैंडिडा देखो, ए सी,
एसी में जो रहेगा कलर उसका व्हाइट हो जाएगा, धूप में निकलता था जल गया है, क्या हो गया तो हमने हमें पूरे चेहरे पे क्या हो गया, अजीब सा रंग हो जाता है हमारा, ठीक है, जिसे टैनिंग कहते हैं। उसी तरह जो एसी में बैठा होगा रंग साफ रहेगा, व्हाइट रहेगा, तो एसी से व्हाइट रहेगा क्या रहेगा, व्हाइट रस्ट डिजीज। क्लियर है, लिख लीजिए आगे इसको और देखते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और चीज हम लिख सकते हैं इसमें आपके, एक दो डिजीज और देख लेंगे तो बेचारे इस फाइब्रोमाइसिटिस का काम हो जाएगा। क्या एक लिख लीजिए स्क्लेरो स्पोरा ग्रामिनिकोला, ग्रामिनिकोला, ठीक है। अभी सुनने में ये सब नाम बहुत अजीब लग रहा है, बट जब आप पढ़ लेते हैं और ऑप्शन में जब आते हैं तो ऑप्शन बेस करना आसान हो जाता है। जैसे हमने याद रखा है एसी से व्हाइट रश, तो ऑप्शन में जैसे आपको एसी और व्हाइट रश का कॉन्सेप्ट याद आएगा, अब कोई अलग से रखने की जरूरत नहीं होगी, बट ट्रिक की जरूरत नहीं होगी, यही आपका सबसे बढ़िया ट्रिक है, तो आप तुरंत ऑप्शन मैच कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देखिए स्पोरा ग्रामिनिकोला, नाम रटने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या करता है कॉजेस ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, अगेन ग्रामिकोला ग्रीन सिमिलर है, यही सिम हो गया। उसी तरह एक और होता है जब ब्रेड लेते हैं ना और ब्रेड खाते हैं बहुत ही ऐसे छोड़ देते हैं, दो तीन से ज्यादा ब्रेड खुला छोड़ देते हैं, क्या होता है उसमें व्हाइट व्हाइट कुछ लग जाता है, वो क्या होता है, ये इसी फाइकोमाइसिटिस का एक प्रजाति है जिसे कहा जाता है राइजोपस, क्या कहा जाता है राइजोपस एंड म्यूकर, इन्हें इसीलिए आम भाषा में क्या जाता है ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड क्यों, बिकॉज दे ग्रो ऑन द ब्रेड, क्लियर है। तो ये कुछ प्रजातियां हैं जो तंग करती हैं प्लांट्स को, हमें किसकी फाइकोमाइसिटिस की, लिख लीजिए। हो गया आप लोगों का, चलिए तो अब हम आगे कहाँ बढ़ेंगे सर, हम आगे बढ़ेंगे एस्कोमाइसिटिस की तरफ, ठीक है। अब मेनली जो हमें देखना है, क्योंकि हमने फंगस के बारे में सारे डिटेल पढ़ लिए, जितने इम्पॉर्टेंट डिटेलिंग हमें करनी थी फंगस के बारे हमने कर लिया है, अब हमें लाइफ साइकिल पे फोकस करना है, और इसी वजह से मैंने इसे मिटाया नहीं था ना, हम लोग एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल को एक साथ देखेंगे, जो कि बोथ आर वेरी मच सिमिलर, ठीक है। कैसे आई देखते हैं सर यहाँ पे, ठीक है कि स्पोर्स होंगे, स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और माइसीलियम फॉर्म होगा, ठीक। अगर हम बात करें एस्को की, एस्को क्या कह रहे हैं सैक समझाई कह रहे हैं, एस्को स्पोर में क्या होगा, आइए यहाँ पे एक बार फिर से अलग से मौके दिखाएंगे हॉस्पॉस्ट नाम पर, ठीक कि सर ठीक है यहाँ पे आपके स्पोर्स थे, ठीक। अब स्पोर से क्या हो रहा है आपका सर, यहाँ पे माइसीलियम है, ठीक है कोई इशू नहीं, ठीक। फिर आपने बताया सर यहाँ क्या होगा, माइसीलियम से यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज आएगा, दो न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं, एकदम सिमिलर है, ठीक। अब सिर्फ फर्क इतना होता है कि सर इसमें जब ये फॉर्म होता है ना, तो हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, तो सब में होगा, यानी अगर इसे देखें इस तरह से सब में होगा, ठीक है। तो अभी हम एक की बात कर रहे हैं, आपको एक दिखाया जा रहा है, बाकी कैसे रहने दीजिए, एक में गैमेट आके गिरा, इसे हमने डाइकैरियोटिक स्टेज बोला। तो ये जो बनता है एस्कस जो हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इस तरह से एक शेप लेता है, कैसा, माइसीलियम में इस तरह से शेप लेगा, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आके मिलेंगे उसमें ये शेप लेगा, ज्यादातर हाइफा में लेता है, नहीं कॉर्नर पे लेता है, बाकी अपने न्यूक्लियस अलग अलग जैसे थे वैसे है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एस्को कार्प बोलते हैं, और कार्प मतलब ही क्या होता है सर, हम प्लांट में भी पढ़ेंगे, कार्प मतलब फ्रूट होता है, क्या होता है फ्रूट, फ्रूट कहां से निकल रहा है, इसकी बॉडी से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, एंड दैट्स व्हाई फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी जब रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप शुरू हुआ तब एस्को कार्प
बना। अब देखिए यहाँ पे एस्को कार नहीं बन रहा था, यहाँ पे एस्को कार बना, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ गए, ये अपने आप समझना है। अब देखिए होना क्या है सर, ये दोनों मिलेंगे, सीन गैमी होगा, जायगोट फॉर्म होगा। अगेन ये स्टेज हमारा डाइकेरियोटिक स्टेज कहलाएगा, पक्की बात प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। अब सर ये मिलेंगे तो क्या होगा, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है, ठीक। क्या होगा सर, ये डिप्लॉइड बन जाएंगे, टू एन जायगोट क्या होगा, टू एन, ये दोनों मिल गए, फ्यूज किए, डिप्लॉइड, तो दैट बिकम डिप्लॉइड न्यूक्लियस, दे बिकम डिप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इसके बाद जायगोट से क्या होना, म्यूसिस होके स्पोर्स बनना था, बट अब यहां पे आपको बढ़ाना है सर, ये क्या होगा कि म्यूसिस होगा, स्पोर बनेंगे बहुत सारे, इसमें ये क्या होगा, पहले फोर सेल स्टेज में जाएगा, वन टू थ्री फोर। अब ये डिप्लॉइड है, म्यूसिस हुआ तो ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, सर ये हैप्लॉइड होगा। अब ये क्या बना रहा है, स्पोर बना रहा है, स्पोर बना रहा था, ये भी स्पोर बना रहा है। किसका स्पोर है सर, एस्कोमाइसिटिस का स्पोर है, कहां से बन रहा है, एस्कोकार्प से बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एस्को स्पोर्स। मुश्किल है मामला, आसान है, और जो हम सिमिलैरिटी से पढ़ रहे हैं तो हम तीनों को आसानी से समझ सकते हैं बिना रटे हुए। अब ये चार से अगेन यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ पे मियोसिस हुआ, और एवरी स्टेप इज अ क्वेश्चन, एवरी स्टेप इज अ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एस्कोकार फॉर्मेशन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, किसमें होता है सर, ध्यान दीजिए ना, यहां से यहां तक का ही एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फिर माइसीलियम से जो भी हो रहा है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एस्कोकार कहां बन रहा है, माइसीलियम के बाद, यानी ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, इसीलिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना। अब आइए फोर से यहां क्या बनेगा सर, यहां पे एट सेल स्टेज बनेगा, ठीक। यहां कितना है, फोर सेल है, फोर सेल एस्कोस्पोर, यहां एट सेल एस्कोस्पोर, तब स्पोर फॉर्मेशन हो गया, एट सेल तक जाता है, एक एस्कोकार्प में एट सेल तक मामला हो सकता है, चार मिनिमम आठ मैक्सिमम होने चाहिए। अब स्पोर बन गया, ये स्पोर बन गया, अब स्पोर के बाद क्या होना है सर, जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर फिर माइसीलियम वाला पार्ट आएगा, और फिर माइसीलियम से फिर क्या होगा, फिर स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा सर, यहां पे माइटोसिस होगा। मुश्किल है मामला, नहीं मुश्किल है, आसानी से समझ में आया, पक्की बात। अब देखो इसी में हमें क्या करना है, सिर्फ एस्को की जगह बेसिडियो करना है, बेसिडियो माइसिटेस इज आल्सो कॉल्ड एज क्लब फंजाई, क्लब होता है, क्लब मतलब मिलना, लोगों का मिलना, यहां मिलते ना हम क्लब कहते हैं, क्लब इज मिलना, क्या होता है सेम चीज, ठीक। अब यहां पे डिफरेंस आएगा, ये चीज होगी आपका यहां मिटाने वाला हूं। अब देखो यहां पे क्या डिफरेंस आएगा, जैसे कि नीचे में बीम से बना देगा। अब इसमें एक चीज होता है, जब ये आते हैं यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज है, तो डाइकैरियोटिक स्टेज में जैसे मान लीजिए दिस इज डाइकैरियोटिक स्टेज, में देख के लग रहा है ये क्या है, दो आगे गैंगलियॉन मिले हैं, न्यूक्लियस मिले हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज है। तो जैसे ही डाइकैरियोटिक स्टेज होता है, इसमें एक क्लैंप कनेक्शन फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, क्लैंप कनेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, क्लैंप, क्लैंप कनेक्शन इज नथिंग बट इंटरचेंज, लग रहा है ना, यहां से कुछ उठा के यहां डालने वाला है और यहां से कुछ चीज यहां जाने वाली है, देख के लग रहा है। अब क्या होगा, ये एक न्यूक्लियस कहां चले जाएगा, इसके पास, ये एक न्यूक्लियस कहां चले जाएगा, इसके पास, यानी ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कि नहीं, ये दो है, ये अकेला भाई, एक तुम इधर चले जाओ, एक तुम उसके साथ चले जाओ, दोनों पेयर में जाओ, दोनों पेयर में गए तो कैसे हो गए, दोनों डाइकैरियोटिक हो गए, अदरवाइज ये क्या थे, दोनों दोनों मोनोकैरियोटिक थे। तो क्लैंप कनेक्शन का काम क्या है, मोनोकैरियोटिक को डाइकैरियोटिक में चेंज कर देना। और ये कहां हो रहा है आपका, बेसिडियो में हो रहा है, ये आपका क्या था, एस्कोमाइसिटेस था, ये क्या है आपका, बेसिडियोमाइसिटेस की लाइफ साइकिल है। बुक में दूसरे का अलग अलग पेज में करके बताएंगे, अलग अलग लोग बताएंगे, ऐसा नहीं करना भाई, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, हम आसानी से पढ़ेंगे, आसान है कि नहीं, अब याद रखना आसान है कि नहीं। तो हमने क्या किया, क्लैंप कनेक्शन बनाया, सारे के सारे डाइकैरियोटिक हो गए, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक ही डाइकैरियोटिक था, ठीक है। अब अगेन इसमें जब क्लैंप कनेक्शन हो जाएगा, ये डाइकैरियोटिक स्टेज हो जाएगा, तो ये फ्यूज करना है, तो इसमें भी ये सेम स्ट्रक्चर, ऐसा ही स्ट्रक्चर डेवलप होगा, बस थोड़ा सा ऐसा होगा,
इस तरह से, ठीक है। यहाँ भी स्ट्रक्चर डेवलप होगा क्योंकि सब क्या हो गए, डाइकैरियोटिक हो रहे, ठीक है। अब ये स्टेज कहाँ चले जाएगा, ये यहाँ पे आ गए आपके। अब इन्हें क्या होना है, फ्यूज होना है, इन्हें क्या होना है। अब इसके बाद क्या होता है, सर फ्यूज बनके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बने थे, तो ये भी फ्यूज होके क्या बना देंगे। और देखो ये क्रैक स्ट्रक्चर बन रहा है, फ्यूज होके क्या बना देंगे, डिप्लॉयड, सब बनेंगे डिप्लॉयड, इसीलिए एक ही दिखाया जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस हुआ। अब इसे हम कह रहे थे एस्कोकार, सर इसे हम क्या कहेंगे, डेसिडियो कार, क्या कहेंगे, डेसिडियो कार। ये भी फ्रूटिंग बॉडी है, कार्प है, ये भी फ्रूटिंग बॉडी है, ये एस्कस शेप का है तो सैक लाइक है तो एस्को कार, ये क्लैम शेप का है, पब बॉल है तो बेसिडियो कार। बस इतना डिफरेंस। एक एक्स्ट्रा डिफरेंस क्या है सर, क्लैम कनेक्शन होता है जिसकी वजह से सारे मोनोकैरियोन क्या होते हैं, डाइकैरियोन हो जाते हैं, क्लियर है। अब क्या होगा कि सर इसके बाद फिर फ्यूज करेगा, वही कहानी, ये एक से कितने बनेंगे, चार, फोर सेल स्टेज में जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस्को स्पोर की जगह क्या फॉर्म करेगा, बेसिडियो स्पोर फॉर्म करेगा। फिर चार से क्या जाएंगे, एट सेल में जाएंगे, एट सेल बेसिडियो स्पोर। स्पोर कैसे फॉर्म होते हैं सर, यहाँ पे स्पोर होता है, ऐसे करके स्पोर्स होते हैं, ऑब्वियस है बेसिडियो कार्प में ही बेसिडियो स्पोर्स होगा, ठीक है। अब आइए, और इस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, कोनिडिया टर्म आपको मिलेगा, ओसी से हो जाएगा कोनिडियो फोर, जैसे एस्को फोर, बेसिडियो फोर, कोनिडियो फोर, स्पोरेंजियो फोर, वो सारे एक ही बातें फंगस के लिए है, समझना है, क्लियर बात है, ठीक। तो अब यहां से क्या निकलेगा, माइसीलियम, माइसीलियम से स्पोर, क्लियर है मामला, मुश्किल था, आपने साथ साथ पढ़ा तो 10 से 15 मिनट में सारी चीजें समझ ली, अलग अलग पढ़ते तो यही आपको 2 घंटे में भी समझ में नहीं आता। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंबाइनिंग थिंकिंग, ठीक है, एंड एनालिटिक। जब आप मिला के पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो चीजें देखिए आसान हो जाती है, क्लियर है बात, समझ में आई बात, तो लिखिए ना। हो गया, चलिए अब हम जल्दी से क्या देख लेते हैं आखिरी स्टेप में, डिजीज को, कि सर हमने लाइफ साइकिल देख लिया, हमने जनरल कैरेक्टर देख लिया फंगाई के, तो सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सर उसमें कौन कौन से डिजीज कॉज होते हैं, है ना। तो हमने फाइकोमाइसिटिस की देख ली, जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, क्लियर है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उसी तरह हम एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस के कुछ डिजीज को देख लेते हैं। ऐसे ही एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सवाल आने वाला क्वेश्चन है अबाउट पेनिसिलियम, कि पेनिसिलियम किसका पार्ट हो गया, नॉनफ्लोजल सर एस्कोमाइसिटिस का हो गया, ठीक है। पर बेसिडियम इतनी खास बात क्या है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड हुआ वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम पेनिसिलियम, टू बी प्रिसाइज पेनिसिलियम नोटैटम, इतनी क्वेश्चन आता है पेनिसिलियम में रिव्यू फिर दूसरा चीज डाल देगा, पेनिसिलियम नोटैटम, इससे क्या हुआ, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, ये इससे हुआ था, पेनिसिलियम नोटैटम से हुआ था, ये याद रखिएगा, नोटैटम इज अ स्पीशीज, पेनिसिलियम अगर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपके, सिर्फ पेनिसिलियम दिया हुआ है तो आंसर पेनिसिलियम होगा, बट अगर डिफरेंट स्पीशीज दिए हुए पेनिसिलियम के, पेनोटैटम के, कुछ भी दिया हुआ है तो फिर पी नोटैटम होगा। किसने डिस्कवर किया था सर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग, बाय ए फ्लेमिंग, इसी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था कि फर्स्ट टाइम इन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया, क्लियर है। इसमें आ जाइए एस्परजिलस, जिससे क्या होता है ब्लैक और ब्राउन मोड कहा जाता है, ठीक। क्लैरिसेप्स, क्लैरिसेप्स सबसे पहले एस्परजिलस को क्या बोलते हैं, सैक फंजाई, याद रखिएगा, ठीक, सैक स्ट्रक्चर बनता है। क्लैरिसेप्स परपुरा, अर्गोट डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरा में हमने पहले भी देखा, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ग्रैमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ठीक। यहाँ पे क्या है, एर्गोट डिजीज, तो अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
मार्शेला, मार्शेला बहुत महंगा, मोदी जी भी खाते होंगे, बहुत महंगा एडिबल फंगस है ये, क्लियर है। न्यूरोस्पोरा, अगेन द इम्पोर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, न्यूरोस्पोरा रेड और पिंक मोल्ड, ऑब्वियसली इसके कलर की वजह से इसको बोला जा रहा है जैसे ब्लैक एंड ब्रॉड, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों ड्रोसोफिला, तो नाम से लग रहा कोई वो डायनासोर नहीं है भाई, ड्रैकुला नहीं है, ड्रोसोफिला है, मक्खी है, हाउस फ्लाई, तो वो प्लांट किंगडम का क्यों, चूंकि जेनेटिक्स में जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स में क्या है ड्रोसोफिला का यूज किया जाता है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए और जेनेटिक चीजों को पता करने के लिए, उसी तरह प्लांट में किसका यूज किया जाता है न्यूरोस्पोरा का किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्लियर है बात। ओके ऐसे और भी हैं बट ठीक है इतना भी काफी है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये न्यूरोस्पोरा एंड पेनिसिलिन। आपको जो भी एनसीईआरटी में मिले, अगेन मैं कह रहा हूँ परोस के नहीं दूंगा, एनसीईआरटी में आपको जो भी एस्कोमाइसिटिस में डिजीज मिल जाए, जो भी एग्जाम मिल जाए, उसको लिखना है, उसको तो आपको एकदम याद कर लेना है, क्लियर है, चाहे एस्कोमाइसिटिस का हो या बीसीडीओ का। आइए बीसीडीओ में पक्सीनिया, पक्सीनिया के डिफरेंट वैरायटीज होते हैं, जितने भी होंगे वो रस्ट डिजीज ही कॉज करेंगे, चाहे वो ब्लैक रस्ट करें या ब्राउन रस्ट करें, क्लियर है बात। मशरूम अगेन एडिबल, तो यहाँ एक एडिबल क्या है मशरूम है, मशरूम का नाम तो हम सब जानते हैं, और यहाँ पे क्या है मार्शेला है, उसी तरह स्टिलागो जो आपके एनसीईआरटी में भी है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टिलागो से इस्मट डिसीज होता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है मेडीज, स्टिलागो ऑब्वियस जीनस होगा, मेडीज क्या है स्पीशीज होंगे, तो स्टिलागो मेडीज से क्या होगा इस्मट डिजीज ऑफ मेज, मेडीज मेज मिल रहा है, समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट वन दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं फॉल्स फंगस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इम्परफेक्ट, क्योंकि फॉल्स है इम्परफेक्ट है, दोनों चीज पूछता है, तो ये मत बोलिए एग्जाम में आ गया इम्परफेक्ट फंजाई, अरे सर ने तो बताया नहीं, सेम बात है ना, थोड़ा सा इस खोपड़ी को खोल के रखना है। तो अल्टरलेरिया सोलैनी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरलेरिया अर्ली ऐसे याद रखना है, ठीक है, फाइटोप्थोरा लेट, ठीक है। नगेन हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा, ओराइजा टर्म ही लगाया जाता है किसके लिए राइस के लिए, इससे आप याद रहेगा लीफ स्पॉट ऑफ राइस, अब देखते हैं राइस में राइस प्लांट में बहुत सारे लीफ स्पॉट लग जाते हैं जिनके यहाँ खेती होती होती है, बिहार में खासतौर से धान की खेती बहुत होती है, उन्हें पता होगा कि कैसे वो धब्बे लग जाते हैं, कत्थे कलर के काले कलर के धब्बे लग जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा की वजह से होते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं बंगाल फेमिन कहते हैं, जैसे फाइटोप्थोरा वो क्या कह रहे हैं आयरिश फेमिन कह रहे हैं, आयरलैंड में हुआ था, उसी तरह बंगाल फेमिन किससे हुआ था सर बंगाल में सबसे पहले ये तहलका मचाया था, अब इसको हम छोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे एच ओ हो, बंगला निकलते हो, तो ये हो कहां से आया बंगाल से आया, मे बी इट साउंड सिली बट ठीक है जो याद रखने का तरीका होगा ना, चलिए। एंड द लास्ट वन इज टोलियोट्रिकम कोलियोट्रिकम फैल्केटम, गन्ना, गन्ना में क्या होता है रेड स्पॉट होता है, इसमें स्पॉट आ जाता है लीफ में आ जाता है राइस के, इसमें शुगर केन में आ जाता है, क्लियर है। तो ये एक मोटा मोटी आपका क्या है कुछ डिजीज के नाम है, ऐसे ही और होते हैं जैसे आपके ट्राइकोसाइटिन होते हैं, आपके माइक्रोस्पोरम होते हैं जो रिंग वॉर्म जिसे कहते हैं, है ना, वो आपके क्या है इसी के पार्ट है, जो हमें आगे देखने हैं इसलिए हम एक साथ नहीं देख रहे हैं, वरना दिमाग को तुम क्या क्या नाम आ गया भाई, घबरा जाइएगा आप लोग घबरा जल्दी जाते हैं ना, बहुत नाजुक दिल के होते हैं आप लोग, तो घबराना नहीं आराम से करना है, ठीक है। उसी तरह एक चीज हमने पढ़ा था सैक्रो, जो हम सर ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट सर क्या होगा ऑब्वियस उसमें सेक्टर नहीं होगा, यूनिसेलुलर होता है एक्सेप्शन है, तो फिर ईस्ट में एक चीज, एक ईस्ट जो सबसे फेमस है जो नाम मैंने पहले भी लिखाया है, क्या नाम लिखाया है तो सर मैंने लिखाया है सैक्रोमाइसिस सर्विसा, सैक्रोमाइसिस सर्विसा लिखाया है इसको, और क्या बोलते हैं
बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो नहीं देखे हैं या नहीं पता है, बेकर्स ईस्ट कहते हैं। सैबिक्रोमाइसिस सेविसा, फर्मेंटेशन में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, ईस्ट का, इसी ईस्ट का होता है फर्मेंटेशन में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब फर्मेंटेशन करते हैं ब्रीवर्स कंपनी में जब हम, तो ईस्ट का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। इवन विटामिन B12 के प्रोडक्शन के लिए भी किसका यूज होता है, इसी का, फॉर विटामिन बोलिए या विटामिन, इतना मुख्यता कौन करे, B12 जिसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, इसका नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। आप लोग पूरा लिखा कीजिए, मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट के नोट्स देखे हैं, जैसे मैं लिखा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में वैसे लिखा लेते हैं, फिर एक महीने बाद उन्हें खुद समझ नहीं आता क्या लिखे थे, फंस जाते हैं, ऐसा नहीं करना है भाई, आपको यहाँ पे खुद डिटेलिंग में लिखनी है। मैंने कहा विटामिन B12 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो आप लिख लीजिए विटामिन B12 इज आल्सो कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन, अगर नहीं पता है तो। बस समझ में आ रही है आपको, नोट्स मैंने पहले भी कहा है, नोट्स आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, जो आपको पूरी तरह से समझ में आए, यहाँ के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं बनाना है, बेटर वे में बनाना है, क्लियर है, पक्की बात, समझदार है आप लोग, वेरी गुड। तो ये किसकी समाप्ति की घोषणा है, सर ये फंगस की समाप्ति की घोषणा है। अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, अब हम प्लांट्स की तरफ मूव करेंगे, क्लियर है, सही बात है। तो हम प्लांट्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास से, आपको क्या करना है, प्रोटिस्टा मोनेरा और फंगस को अच्छे से रिवाइज करके उसके क्वेश्चन बना डालने हैं, तो वो मामला एकदम अलग रहेगा, क्योंकि हम प्लांट और एनिमल की तरफ मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, एक एक लेक्चर दो लेक्चर वाले चैप्टर नहीं है, तो उसको जब आप समझने जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट भूलने का डर रहता है, कब, जब आपका रिवीजन नहीं है, तो रिवीजन कर लेना है बड़े स्टेप लेने से पहले, बैकअप बना के चलना है, क्लियर है, पक्की बात है, ओके, चलो अल्लाह हाफिज़।